हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल मैंने मेरे YouTube चैनल की शुरुआत की और हम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकल गए। काफी चैलेंजिंग था ये सफर। लॉकडाउन हुआ, नवंबर तक मैक्सिमम 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर बंद थे, फिर भी हमने एक एक करके सारे ज्योतिर्लिंग को कम्प्लीट कर लिए। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर वेरूल में, जहाँ पर हम करने वाले हैं महादेव के अंतिम ज्योतिर्लिंग, महादेव के 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वर्ल्ड फेमस एलोरा केव्स के पास में ही है, तो आज के वीडियो में हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में एलोरा केव्स भी जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन से जुड़ी हुई सारी जानकारी काफ़ी डिटेल्स में दूंगा और उसके साथ साथ में हम एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल पर भी जाएंगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर वेरूल गांव में स्थित महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम ज्योतिर्लिंग मंदिर। यहां पहुंचने के लिए औरंगाबाद शहर से सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लगातार बसें चलती रहती हैं। और सिर्फ 70 रुपए में औरंगाबाद शहर से घृष्णेश्वर मंदिर तक शेयरिंग ऑटो रिक्शा चलती रहती है। तो दोस्तों, यही है वेरूल का बस स्टैंड। घृष्णेश्वर मंदिर आने के लिए आपको बसेस यहीं पर उतारेगी और अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। औरंगाबाद से यहां आने के लिए आधा घंटा लगता है और बस वाले आपसे 45 रुपीज़ बस का टिकट लेते हैं और वो आपको यहां पर छोड़ देते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर मेन रोड पर ही है। जैसे आप वॉक करके यहां से 2 मिनट ऊपर जाएंगे तो आपको मंदिर मिल जाएगा। और इस तरफ पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं और पार्किंग के पास में ही गेस्ट हाउस और होटल्स वगैरह है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। तो यही मेन वेरूल है और यहीं पर आपको कुछ दुकानें और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना लंच और डिनर कर सकते हैं। तो दोस्तों, घृष्णेश्वर में रहने के लिए यहाँ पर आपको जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो भक्त निवास है। भक्त निवास में लेकिन जो रूम्स है बड़े बड़े हॉल है, तो अगर आपका ग्रुप बड़ा है, 40-50 लोगों का ग्रुप है, आप एक साथ आ रहे तो आपको भक्त निवास में एक हॉल मिलेगा। नहीं तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ मंदिर के पास, भक्त निवास के पास पार्किंग के यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गेस्ट हाउस और होमस्टेज हैं जहाँ पर आपको इजिली 400 से 500 रुपये में नॉर्मल एक रूम मिल जाएगा और यही है यहाँ पर रहने के लिए ऑप्शन। घृष्णेश्वर मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर वर्ल्ड फेमस एलोरा केव्स हैं। एलोरा केव्स के पास कई सारे लग्जरी होटल्स और रिसॉर्ट्स रहने के लिए मिल जाते हैं। मेन रोड से मंदिर पर जाते समय एक बहुत प्राचीन इमारत दिखाई देती है। पूछने पर पता चला ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी राव भोसले द्वारा बनाई गई एक प्राचीन स्मारक है। और घृष्णेश्वर मंदिर के पास में ही एक और मंदिर है जो स्वामी जनार्दन मोनगिरी महाराज को समर्पित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है और मंदिर में किसी भी सामान, मोबाइल कैमरा को ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मंदिर के बाहर सारे दुकानों पर लॉकर्स मिलते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर अमृत कुंड है। माना जाता है शिव भक्त भुष्मा इसी तालाब पर शिव जी की पूजा करती थी और शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जित कर देती थी। अपने पुत्र की हत्या का खबर मिलने पर भी भुष्मा विचलित नहीं हुई और हमेशा की तरह शिव जी की पूजा करती रही। भुष्मा के उसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गए। तो दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके अभी हम आए हैं अमृत तीर्थ पर। अमृत तीर्थ घृष्णेश्वर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी है वो इसी अमृत तीर्थ से शुरू होती है। तो आप अगर जब घृष्णेश्वर के दर्शन के लिए आएंगे तो आप अमृत कुंड पर जरूर आए। सावन के महीने में यहाँ पर काफी चहल पहल रहती है, लोग इस कुंड के पानी में स्नान करते हैं और यहाँ पर काफी अच्छा पर्व मनाया जाता है सावन में। यहाँ पहुँचने के लिए घृष्णेश्वर मंदिर से सीधा रास्ता है, 3-4 मिनट आप वॉक करके आएंगे तो आप यहाँ पर अमृत कुंड पर पहुँच जाएंगे।
दोस्तों घृष्णेश्वर मंदिर से 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक बहुत खूबसूरत स्मारक है। वो स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले के नाम पर है और बहुत खूबसूरत एक गार्डन बनाया है यहाँ पर। लेकिन अभी आज वो स्मारक बंद है, जिसकी वजह से मैं वो स्मारक आपको अंदर से नहीं दिखा सकता। लेकिन आप घृष्णेश्वर में आएंगे तो जस्ट मंदिर के पास में ही आप इस स्मारक पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर कैमरा और मोबाइल्स लेकर मंदिर में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको घृष्णेश्वर मंदिर की दर्शन यहीं से करा सकता हूँ। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर गर्भगृह में जाकर ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कराया जाता है। आपने जो भी प्रसाद फल बेलपत्र फूल लाए हैं वो आप खुद गर्भगृह में जाकर चढ़ा सकते हैं। और मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग के पास भंडारा भी चलता है, जहाँ पर आपको प्रसाद दिया जाता है, खिचड़ी शीरा ऐसे खाने के लिए मिलते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर घृष्णेश्वर में और घृष्णेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। दोस्तों घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 1 किलोमीटर के अंदर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये द ग्रेट कैलाशा टेम्पल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरे वर्ल्ड पे इस पर रिसर्च चल रही है। तो आप घृष्णेश्वर टेम्पल से एलोरा केव्स इजिली वॉक करके भी आ सकते हैं, और ऑटो से आएंगे तो ऑटो वाले 15 रुपीज़ लेते हैं। एलोरा केव्स और घृष्णेश्वर मंदिर एक ही जगह पर है, तो जब आप घृष्णेश्वर दर्शन के लिए आएंगे तो आप एलोरा केव्स भी ज़रूर आइए। कैलाश मंदिर एलोरा, जिसे संपूर्ण विश्व के वास्तुकला के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक इमारत माना जाता है। ये मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है, जिसे एक पत्थर के पहाड़ को तराशकर बनाया गया है। आमतौर पर सभी इमारतों को नीचे से ऊपर बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर को शिल्पकारों ने ऊपर से नीचे की ओर तराशा है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इस मंदिर को हिमालय के कैलाश पर्वत के आधार पर बनाया गया है। ये है द ग्रेट कैलाशा टेम्पल। एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिर है। और इसे पूरा 34 जो केव्स है इनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। तो जब आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आएंगे तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए, अमृत कुंड पर जाइए और वहाँ पर और जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करके आप एलोरा केव्स में आ जाइए। और एलोरा केव्स का जो मेन जो कैलाशा टेम्पल है वो मेन गेट के सामने ही है। जब आप मेन गेट से एंटर करके अंदर आते हैं तो 16 नंबर केव्स द ग्रेट कैलाशा टेम्पल एकदम मेन गेट के सामने ही है। और उसके बाद फिर आप यहाँ से देख सकते हैं लाइन से, मेरे पीछे सारे लाइन से केव्स हैं, आप उन केव्स को देखते हुए आगे जा सकते हैं। और इस तरफ भी आगे आप जब जाएंगे तो केव्स है, कैलाशा केव्स सेंटर में है और इसके दोनों तरफ बहुत सारे केव्स हैं। तो आपको एक पूरे दिन में आप पूरे केव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एलोरा केव्स। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा औरंगाबाद तो स्पेशली मैं एलोरा केव्स पर एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को मैं एलोरा केव्स की सारी एक्सप्लोर कराऊँगा। आज के वीडियो में हमने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, साथ साथ में हमने कैलाशा टेम्पल को भी विजिट किया। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ और हमने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ एक वैद्यनाथ धाम बचा है, वो भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा और हमारा जो ये 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम फिर किसी दूसरे जगह पर बहुत जल्दी। तब तक